गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोलांग वैली। तो अभी बज रहे फिलहाल 7:45 बज रहे। तो अभी हम हैं सोलांग वैली पर, ये देख सकते हैं सोलांग वैली। सुबह के 6:30 बजे निकले थे हम और गाड़ी स्टार्ट किया था 7 बजे, क्योंकि आज हमारा चेकआउट है। 7 बजे अगर आप गाड़ी पे उठते हैं, ठीक 7:30 बजे पहुँच जाएंगे सोलांग वैली पर। तो मनाली से ऑफकोर्स मैक्सिमम गाड़ी जो होता है ना 8 बजे के बाद छोड़ता है, तो उस टाइम में बहुत रश होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा टाइम लेके थोड़ा सुबह निकल जाइए, वो जैम को अवॉइड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल छोटा वाला जो भी है सब गाड़ी ऊपर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये सब गाड़ी ऊपर में आ रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपका जो ड्राइवर है वो अगर बोलता है कि ऊपर वाले एरिया में गाड़ी नहीं आ रहा है, तो उनसे बोलिए कि ऊपर वाले ये वीडियो दिखा देना। और फिलहाल अभी यहाँ पे 11 बजे तक रुकेंगे, क्योंकि सब एक्टिविटीज़ जो है 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है, तो वो ध्यान पे रख के आइएगा। तो फिलहाल अभी थोड़ा मज़े लेते हैं, उसके बाद आपको और थोड़ा फुटेज दे देते हैं। तो भैया अभी हो रहा है स्नोफॉल सोलांग वैली में, जो कि बोल रहा था आज के डेट में बहुत ज़्यादा फोरकास्ट है, 98% फोरकास्ट था कि स्नोफॉल होने वाला है। तो कुछ कुछ जगह में 9 बजे के करीब दिखा रहा था, कुछ कुछ जगह में 12 बजे के करीब दिखा रहा था। तो अभी बज रहा है 9 बजे, सोलांग वैली में हो रहा है स्नोफॉल। थोड़ा बहुत देख सकते हैं आप, अभी कुछ ही देर में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी चालू हो जाएगा, तब ये सोलांग वैली में किसी को रुकने नहीं देता है उस दौरान। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो जो लोग अभी प्लान बना रहे हैं सोलांग वैली के लिए या मनाली ट्रिप के लिए भी 24 से 30 तारीख तक, तो उस हिसाब से बनाइए। आपके टूर एजेंट जो है उससे बात कीजिए कि ये सेफ़ होगा कि नहीं। मनाली तक तो आ जाओगे, लोकल साइट सीन भी कर लोगे, सोलांग वैली तक लगता है नहीं आ पाओगे। तो ये भी हो सकता है और ना भी हो सकता है कि आपका जो गाड़ी है वो लेके चले आए, या 4x4 कार पर मतलब हायर करना पड़े। तो जो भी है, ये है मनाली आज के डेट में और ये है सोलांग वैली। मैं आपको बोलता आप 1000 60।